नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ट्यूटोरियल में। अपने पिछले सॉलिडवर्क्स के दो ट्यूटोरियल्स में पहले आपको बताया कि गियर्स कैसे बनेंगे। पहले में मैंने बताया कि स्पर गियर कैसे बनेगा और दूसरे ट्यूटोरियल में मैंने बताया कि हेलिकल गियर अगर हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे बेवल गियर की। बेवल गियर भी आप लोगों ने देखा होगा, तो बेवल गियर जो है स्टेप बाई स्टेप बनाने का मतलब आज देखेंगे। दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूँ ये वीडियो। यहाँ से सबसे पहले तो ये जो स्क्रीन आपके सामने आती है, ये देखिए, ये इस तरह से दिखाई देगी। हम फीचर्स में या फीचर्स का कमांड मैनेजर आमतौर पर हमें नज़र आता है। इसके बाद में ये चारों यहाँ पर दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड साइड में। ये फ्रंट टॉप राइट प्लेन और ओरिजिन को मैंने एक साथ विंडो बना के सेलेक्ट किया और किसी भी एक पर राइट क्लिक करके मैं शो आइकन पर क्लिक करता हूँ, जिससे कि ये चारों चीज़ें मुझे परमानेंटली स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों अब हमें बेवल गियर की बॉडी बनानी है। तो बॉडी बनाने के लिए हम रिवॉल्व कमांड का यूज़ करेंगे। रिवॉल्व कमांड, जैसा कि आपने ऑटो कैड में भी देखा होगा, कि हम किसी एक हाफ सेक्शन को बनाने के बाद एक एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन के अराउंड उसे घुमाते हैं, जिससे कि सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनता है और तरह तरह के प्रोफाइल्स भी उसकी मदद से हम बना सकते हैं। तो इसमें इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से मैं रिवॉल्व बॉस ऑब्जेक्ट बेस पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद मैसेज आता है प्लेन सेलेक्ट करने के लिए, तो मैं फ्रंट प्लेन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही फ्रंट प्लेन पर क्लिक करता हूँ, ये घूमकर मेरे सामने आ जाता है। तो दोस्तों रिवॉल्व कमांड की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो होती है सेंटर लाइन। तो अगर सेंटर लाइन नहीं होगी तो रिवॉल्व कमांड आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेंटर लाइन बनाएंगे। मैं यहाँ पर दो सेंटर लाइन बनाऊँगा, एक बनाऊँगा हॉरिजॉन्टल, ये बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल, और एक लाइन पे बनाऊंगी वर्टिकल। एक वर्टिकल सेंटर लाइन बनाई, एस्केप की दबाकर मैं कमांड से बाहर निकला। फिलहाल दोस्तों हमें प्लेन्स की जरूरत नहीं है, तो पर हाइड इन हाइड ऑब्लिक शो करके ये ऑप्शन होता है आपके सामने, यहाँ पर ये आँख का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में देखिए यहाँ पे आपको ब्लू प्लेन्स नजर आएगा। अब नजर नहीं आएंगे, तो हम ऐसा देखेंगे तो हमें थोड़े से ज़्यादा अच्छे से नजर आएंगी चीज़ें। ये दो देखिए सेंटर लाइन आपके यहाँ पर बन गई। इसके बाद हम क्या करेंगे कि वो प्रोफाइल बनाने के लिए मैं मदद देता हूँ, और देखिए कुछ इस तरह की प्रोफाइल बनेंगे। अब इस प्रोफाइल को मैं इसकी डायमेंशनिंग करने के लिए देखिए यहाँ से इस पॉइंट मतलब इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो है 3.175 टाइप करके मैंने एंटर किया। इस लाइन की डायमेंशन है 1.6 और इस लाइन की डायमेंशन जो है 7.25 इंटर कर दिया। इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है 10.709। मैंने इसे टाइप किया और एंटर कर दिया। देखिए इस तरीके से ये चेंजेस आ रहे हैं इस प्रोफाइल में। इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है 1.991। इस तरीके से ये प्रोफाइल आ। इसके बाद दोस्तों हमें ये कुछ और डिस्टेंसेस यहाँ से देने होंगे, अपनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये है 5.563 और उसके बाद से यहाँ तक का डिस्टेंस है 7.559। इसके बाद दोस्तों ये डिस्टेंस हमें लेना है, ये है 4.750।
तरीके से प्रोफाइल बनकर हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा टर्न ऑफ करना है, एक सेंटर लाइन हम 45 डिग्री के एंगल पर ऑफ करेंगे। और इस सेंटर लाइन का जो लेंथ होगा वो होगा 9.44। इसके बाद एक लाइन यहाँ से अलग कंटिन्यू करेगी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा लेकिन ये सॉरी ये सेंटर लाइन होगी। दोस्तों यहाँ से हमारा ये रिवॉल्व के लिए जो हमें सेक्शन बनाना था, ये प्रोफाइल बनाना था, ये बन गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम यहाँ से सीधे फीचर्स पर क्लिक करेंगे और रिवॉल्व बॉस और फिर बेस पर दोबारा क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ से एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन ये बॉक्स आपको देखिए एक्टिव है ब्लू कलर का, यहाँ से हम इस लाइन पर क्लिक करेंगे और देखिए कि बॉडी जो है वो बेवल गियर की बन जाएगी और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपको ये बेवल गियर की बॉडी बन जाएगी। इसके बाद हमें एक टूथ प्रोफाइल बनाना है जिसे हम एक्सट्रूड कट करेंगे। दोस्तों कैसे बनेगा अभी देखते हैं। दोस्तों वो कट एक्सट्रूड करने से पहले हमें एक प्लेन लेना होगा, उस प्लेन को हम किस तरीके से लेंगे हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि ये जो रिवॉल्व का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें स्केच, इसको जब हम यहाँ एक्सपेंड करते हैं तो ये स्केच पर नज़र आता है, देखिए एक्टिवेट हो गया। इसको हम राइट क्लिक करके शो पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको इस तरीके से ये नज़र आना। तो यहाँ पर हमें प्लेन लेना होगा, एक तिरछा प्लेन 45 डिग्री का। ये जो लाइन हमने बनाई थी 45 डिग्री की, ये उसी रेफरेंस उसके रेफरेंस के लिए ही बनाई थी। तो यहाँ से हम ये रेफरेंस ज्योमेट्री पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये प्लेन कमांड आपको दिखाई दे रही है। जैसे ही प्लेन कमांड पर हम क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर ये तीन बॉक्सेस आ रहे हैं जिसमें हम कोई भी यहाँ रेफरेंसेस अगर लेते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देने लगेगा। जैसे कि हम एक प्लेन चाहते हैं कि जो इस पॉइंट पर बने और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो देखिए दोस्तों ये एक प्लेन आपका बन गया, पॉइंट जो है वो इस बॉक्स में है और लाइन जो हमने सेलेक्ट की है वो सेकंड रेफरेंस वाली वो इस वाले बॉक्स में आपको नजर आ रही है। तो ये एक प्लेन आपका तैयार हो गया। इस प्लेन को सेलेक्ट करके हम इस पर एक प्रोफाइल बनाएंगे जिससे जिसे हम कट एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ से मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये प्लेन वन को यहाँ से नजर आने लगा। अब मैं यहाँ से कट एक्सट्रूड पर क्लिक करता हूँ, मैसेज आता है प्लेन सेलेक्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जब मैसेज आ रहा है तो ये यहाँ से ये प्रोडक्ट ट्री को मैं एक्सपेंड करूँगा और ये प्लेन वन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है तो मैंने प्लेन वन पर क्लिक किया, ये प्लेन एक्टिवेट हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ से व्यू ओरिएंटेशन पर क्लिक किया और नॉर्मल टू पर क्लिक किया तो देखिए ये प्लेन मुझे इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे। अब दोस्तों ये स्केच बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक सेंटर लाइन बनाऊंगा यहाँ से, ये ओरिजिन से यहाँ तक सेंटर लाइन। अब इस सेंटर लाइन को हम डायमेंशन क्या देंगे, इसके बाद दोस्तों हम एक सर्कल बनाएंगे ये यहाँ से इसका जो रेडियस है रेडियस डायमीटर यहाँ पर भी दिखा वो होगा 0.635 × 2 ये इस सर्कल का
डायमीटर होगा और इसका जो सेंटर है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो है उसका डिस्टेंस हमें देना है। इस पर क्लिक किया कि बीच का जो डिस्टेंस है वो आ रहा है 7.036 थोड़ा नजदीक आ गया। इस तरीके से ये स्केच बनेगा। अभी इसमें हमें काम और करना है। अभी हम एक और सर्कल बनाएंगे। सर्कल कमांड पर जाता हूँ मैं, इस बार सेंटर ये बना देता हूँ और इसका जो डाया होगा वो होगा 6.071 × 2। ये इस सर्कल का डाया। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है कि हम दो अलग अलग सेंटर लाइन्स बनाएंगे जो कि इस पॉइंट से इस सर्कल को काटेंगे। अभी हम अंदाजे से ये लाइनें बना रहे हैं और इसके बाद हम इसका एंगल कितना है वो असाइन करेंगे कि देखिए बस ये सर्कल को काटते हुए जानी चाहिए। थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ से एंगल हमको लेना है, जो छोटा वाला एंगल है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल ये है 2.610। और इसके बाद जो लाइन जो बड़ा वाला एंगल के साथ जो लाइन बन रही है इसकी वैल्यू है एंगल की 4.260। दोस्तों ये दो लाइनें इस तरीके से इस सर्कल को काटती हुई जाएंगी। अब इन दोनों लाइनों को हम इस लाइन के अबाउट मिरर करेंगे। मिरर कैसे करेंगे देखिए, मैं एस्केप की दबाता हूँ और स्मार्ट डायमेंशन से बाहर निकलता हूँ। मैंने मिरर एंटिटीज पर क्लिक किया। एंटिटीज टू मिरर वाला बॉक्स जो है वो एक्टिवेटेड है। मैंने इस लाइन और इस लाइन को सेलेक्ट किया। उसके बाद मिरर अबाउट पर यहाँ पर बॉक्स के अंदर क्लिक किया और ये है हमारी रेफरेंस लाइन, मिरर लाइन। इस पर क्लिक किया और उसके बाद ओके कर दिया। तो देखिए आपको ये लाइन दूसरे एंड पर भी, दूसरे छोर पर भी वैसे ही दिखाई दे रही है। अब यहाँ दोस्तों हमें क्या करना है, ये थोड़ी ट्रिमिंग करनी होगी। यहाँ पर ट्रिम कमांड लेते हैं और यहाँ से ट्रिम करना शुरू करते हैं। हमें यहाँ से इस आर्क का पहले तो ये सर्कुलर पोर्शन को हटा दें, फिर उसके बाद ये बचा हुआ हिस्सा हटाना साइड का। हमें सिर्फ ये पोर्शन चाहिए। ये पॉइंट को हम इस पॉइंट से जोड़ेंगे अभी आर्क के थ्रू। यहाँ से देखिए मैंने आर्क ली, 3 point आर्क, इस पॉइंट पर क्लिक किया। फिर उसके बाद ये लाइन जहाँ सर्कल को काट रही है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्लिक किया और यहाँ पर ऐसे लाकर फिर छोड़ दिया। और इस आर्क की वैल्यू भी मतलब इसकी रेडियस की वैल्यू भी हमें देनी है। इससे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस सर्कल को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम आर्क की वैल्यूज देंगे तो ये हो सकता है कि ये सर्कल अपनी पोजीशन छोड़ दे। तो हम इसे देखिए, जैसे ही मैं सर्कल पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है मेक फिक्स्ड। मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए ये ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया अपनी जगह पर। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ ये नोटिफिकेशन आने लगे, ये जैसे कि नीचे स्क्रीन पर आ रहा है ओवर डिफाइंड। ये ओवर डिफाइंड है, इसकी वजह से हम इनमें कुछ डायमेंशन या कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स जो इसके साथ लगे हुए हैं उन्हें डिलीट करना होगा। तो मैं इस डायमेंशन को यहाँ से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैंने ये ऑप्शन है डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इस ऑप्शन को लिया, इसे भी डिलीट कर दिया। देखिए अब ये नॉर्मल पहले जैसा दिखाई दे रहा है, ओवर डिफाइनिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह पर फिक्स हो गया। अब यहाँ से मुझे इस आर्क का वैल्यू, इसकी रेडियस का वैल्यू देना है। ठीक है, देखिए इसकी रेडियस का वैल्यू मैं दे रहा हूँ,
इसके रेडियस की वैल्यू है 0.9400। यार जो है शिफ्ट जा रहा है धीरे से, और 3.8 यहाँ से ये पॉइंट लिया और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर यहाँ यहाँ से फिर स्मार्ट डायमेंशन और 0.9400। देखिए दोस्तों ये इस तरीके से ये प्रोफाइल बनकर हमारे सामने आ जाता है। अब हमें ट्रिम करना है इसे। ट्रिम करने के बाद इसका ये हिस्सा रिमूव करना है, ये करना है। और ये प्रोफाइल जो है टूथ प्रोफाइल है। इसके बाद हम यहाँ से कमांड से बाहर निकले, फीचर्स पर गए, दोबारा एक्सट्रूड कट पर क्लिक किया। एक्सट्रूड कट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे थिन फीचर ओपन है। इसे अनचेक करेंगे। सेलेक्टेड कंटूर पर क्लिक करने के बाद हम इस प्रोफाइल के अंदर जाकर क्लिक करेंगे। ये एक्टिव हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा इसे घुमा रहे हैं टिल्ट करके, स्क्रॉल बटन पुश करते हैं जाएगा। इसके बाद देखिए इसे हमें यहाँ से और नीचे लेकर आना है, जैसे कि ये इस स्लांटिंग सरफेस को पार कर जाए। इसके बाद हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं इस पर, ओके पर। देखिए दोस्तों ये एक यहाँ पर कट आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है तरीके से। इस एक्सट्रूड कट फीचर को ही हमें जो है वो सर्कुलर पैटर्न करना है। कैसे देखते हैं दोस्तों, इसे सर्कुलर पैटर्न करने के लिए हम यहाँ से पहले तो ये स्केच को जो है हाइट कर दें। इसके बाद यहाँ से हम ये कमांड देते हैं फीचर में सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके एक्सिस को ऑन कर दें। तो यहाँ से हम ये टेम्पररी एक्सिस को ऑन कर देते हैं, देखिए हमें एक्सिस दिखाई देने लगा। इसके बाद डायरेक्शन 1 पर क्लिक करते हैं, इस एक्सिस को सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद फीचर्स एंड फेसेस में दोबारा हम क्लिक करते हैं बॉक्स में, और उसके बाद कट एक्सट्रूड फीचर पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये इंश्योर करना है कि इक्वल स्पेसिंग पर चेक मार्क होना चाहिए, यहाँ पर वैल्यू 360 डिग्री होनी चाहिए, और ये है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यानी नंबर ऑफ टीथ। यहाँ पर हमें वैल्यू देनी है 30, टाइप करके हमने एंटर कर दिया। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से ये गियर प्रोफाइल आपके सामने आ जाता है। इसे मैं ये टेम्परेरी एक्सेस को ऑफ कर दे रहा हूँ। विवल गियर आपके सामने आ जाता है। अभी दोस्तों हमें इसमें दो होल और बनाने हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सूट कट को लेंगे। सूट कट लेने के बाद यहाँ से हम प्लेन्स को पहले ऑन कर लेते हैं। सभी प्लेन्स आपको दिखाई देने लगे। अब मैं यहाँ पे राइट प्लेन लेकर एक होल बनाऊंगा, एक्सट्रूड कट पर जाता हूँ, और देखिए यहाँ से प्लेन को सेलेक्ट किया। प्लेन को सेलेक्ट करने के बाद इसे नॉर्मल टू किया। नॉर्मल टू करने के बाद इसका जो डायमीटर देना है वो है 2.5, और इस प्लेन से इसका डिस्टेंस है कुछ होगी। इसे हमें एक तरफ बनाना है, दोनों तरफ बनाना है। ये जिस साइड पे जा रहा है हमें उसी साइड से रखना है, यहाँ पे मिड प्लेन नहीं लेना है। बस ये आर पार जा रहा है, मैं यहाँ से केवल ओके पर क्लिक करना है। फिर उसको एक तरफ ये होल आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ नहीं। अब हमें एक होल और बनाना है, यहाँ से हम एक्सट्रूड कट पर क्लिक करेंगे दोबारा। इस बार मैं फ्रंट प्लेन ले रहा हूँ और इसे नॉर्मल टू करता हूँ। एक होल और बनेगा तो यहाँ पर ये जो
ये देखिए बीच में जो होल है इसका डायमीटर है दोनों, और इस प्लेन से इसका डिस्टेंस है 14। और यहाँ से करेंगे दोस्तों ये होल भी एक ही तरफ बनता है, साइड जा रहे हैं इस तरफ से जाने देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। दोस्तों ये रहा बेवल गियर, यहाँ से हम प्लेन्स को ऑफ कर देते हैं तो ये थोड़ा हमें और अच्छे से नजर आएगा। तो दोस्तों ये था बेवल गियर। इस ट्यूटोरियल में आपने एक अलग तरीके से देखा कि हम कट एक्सट्रूड करने के लिए कैसे एक प्लेन को सेलेक्ट करते हैं, उस प्लेन को एक पर्टिकुलर पोजिशन पर जो है वो हम बनाते हैं, और उसके बाद ये गियर प्रोफाइल इसका टूथ प्रोफाइल बनता है, और एक्सट्रूड कट करने के बाद हम नंबर ऑफ टीथ जो है उसे सर्कुलर पैटर्न कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।